हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम आज बात करने वाले हैं जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये एनसीईआरटी क्लास 12 चल रहा है हम लोग का, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12, तो एनसीईआरटी क्लास 12 का ये एक्सरसाइज 5.5 है और ये हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर देख रहे थे। और लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताया था, ठीक है। तो 13 में डिवाइड बाई डीएक्स का जो वैल्यू आया, तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर आंसर ये नहीं दिया है, ठीक है, आंसर कुछ और दिया है। तो इस पर थोड़ा बात करेंगे कि आंसर वाला पे क्या मैटर है, ठीक है। देखो, पहले तो ये है कि अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है, और ये आपका आंसर हो जाएगा मोहब्बत से, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल दे, तो ऐसे केस में तो हमको आंसर मिलाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल जो आंसर दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो आंसर दिया है आपका एनसीईआरटी में, वो आपका दिया है डिवाइड बाई डीएक्स का वैल्यू, देखो दिया हुआ है क्या है, वाई बाई एक्स, ओके, और ऊपर में है वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और नीचे है आपका डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। ये बोलता है कि ये आंसर है, तो ये भी आंसर काफी अच्छे से आ जाएगा। आप अगर देखोगे तो जो मेन टर्म है, जैसे लॉग वाई आपका मैच कर रहा है, ठीक है, लॉग एक्स हमारा मैच कर रहा है, तो बस थोड़ा सा आपको सेटिंग करना है और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी का जो टर्म है उसको मैच करने के लिए हमको बस थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे मैं इधर पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है कि हमको अगर हमको बाकी का चीज मैच करना है और प्रूफ करना है, तो वो काफी इजिली हो जाएगा। आप इसके लिए जो गिवेन क्वेश्चन है उसका यूज कीजिए, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन आपका क्या गिवेन है, आपका गिवेन है कि y टू दी पावर x इक्वल टू क्या है, x का पावर y है। हम लोग इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना। आप देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे वही है, y का पावर x इक्वल टू x का पावर y, ठीक है। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, तो अब आप देखिए कि जैसे यहाँ पे y है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जो मेरा आंसर था वहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, और मेरे को अगर ये प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, y इंटू एक्स का पावर y डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं जी, यहाँ पे ऐसे माइनस y का पावर x और log y, ऐसे हो जाएगा ऊपर में, और नीचे मैं ऐसे लिख दूंगा x इंटू y का पावर x डिवाइडेड बाई y, ठीक है, माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, ऐसा हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस x को एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो देखो बहुत जल्दी आ जाएगा ये, मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर से मैं x को एलसीएम ले रहा हूँ, तो ऊपर 1 बाई एक्स मेरा कॉमन निकल जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा y इंटू एक्स का पावर y माइनस एक्स इंटू वाई का पावर x और log y, ये बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 बाई वाई को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई का पावर x माइनस क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पे आपका y एलसीएम आएगा, ठीक है, y से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू log x होगा, ठीक है जी। ये अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोगों का काम इजी हो गया है। कैसे, ये तो पहले आपका देखो y बाई एक्स हो गया, यहाँ से इस y के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जा रहा है जी, y बाई एक्स आ जा रहा है, ठीक है, मतलब ये आपका टर्म मैच कर गया। अब देखिए, अब आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो हमको ये चीज लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई टू दी पावर एक्स से, ठीक है। जहां जहां भी एक्स का पावर वाई है, जैसे एक यहाँ है और एक्स यहाँ है, ठीक है, इन दोनों को मैं हटा करके क्या लिख दूंगा, x का पावर y इक्वल टू वाई का पावर x, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा x टू दी पावर y को, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं कि फिर मेरा वो चीज बचेगा जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी प्रूफ करने की बात होती है तो अकॉर्डिंग टू दिस आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखो बचेगा, यहाँ पे इसमें करेंगे ना, इस टर्म में करेंगे, तो यहां से एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे और यहां से करेंगे, ठीक है, करके देखिए क्या होता है। तो हमारा बचेगा यहाँ पे वाई इंटू वाई का पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे वाई का पावर एक्स ऑलरेडी है, और ये आपका हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे देखिएगा तो एक्स इंटू वाई का पावर एक्स है माइनस वाई इंटू एक्स का पावर वाई को हटा के क्या करेंगे, वाई का पावर एक्स लिख देंगे, ठीक है, लॉग एक्स, ओके। अब आप देखिएगा आराम से ना, तो आपका वाई का पावर एक्स ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, और कॉमन आकर के वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जो है वाई बाई एक्स मेरा बचा, और वाई का पावर एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स लॉग वाई, ये बचेगा ऊपर में, और नीचे बचेगा आपका एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है।
तो एग्जैक्टली वो चीज बचेगा जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, और इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो या कहते हो आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम लोग जो है जिस मेथड से बना रहे हैं उस मेथड में कोई आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिंदास आप बनाओ, ठीक है, यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हो। बट आपको प्रूफ जब करना होगा तो अक्सर प्रूफ करने में आपको क्वेश्चन का यूज करना होगा और आप काफी आसानी से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है cos x का पावर y = cos y का पावर x। ठीक है, अच्छा देखो एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे अगर आप डायरेक्टली लॉग से जाएंगे तो आपको ये फौरन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बनाया जाता है ना या बुक में जो आंसर दिया गया है वो एक्चुअली इस मोड से दिया गया है कि आप जो है दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके चलें। ठीक है, इस तरह का देखो छोटा क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर भी सकते हैं, आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैंने ये जो मेथड बताया है डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से लिखने वाला मेथड, तो वो आपको हैवी डिफरेंशिएशन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेकंड मेथड से कि अगर आप लॉग लगा के बनाते हैं तो कैसे होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा इसका सेकंड मेथड क्या है, क्वेश्चन है वाई का पावर एक्स इक्वल टू एक्स का पावर वाई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग लेने से x log y हो जाएगा जी, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा y log x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू v में करोगे तो आपका हो जाएगा log y होगा प्लस x 1/y dy/dx। ठीक है, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा आपका dy/dx इंटू लॉग एक्स और प्लस वाई बाई एक्स आएगा। ठीक है, हम लोग डिवाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो डिवाई बाई डी एक्स इधर आपका एक्स बाई वाई बच रहा है और माइनस उधर से आपका आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स को एक तरफ करके कॉमन ले लिए, जो बच रहा है उसको इधर लिखेंगे तो वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, ये अब यहां से डायरेक्टली आपका अगर डिवाई बाई डी एक्स आप देखेंगे तो आपका डायरेक्टली यहां से डिवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 1/x निकलेगा यहां से y माइनस एक्स लॉग वाई। ठीक है, ये टर्म हो गया डिवाइडेड बाई, यहां से एलसीएम ले लेंगे तो 1/y आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, अब इसको आप जो है फाइनली यहां पे क्या लिख सकते हो, इसको आप यहां पे फाइनली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वाई बाई एक्स हो जाएगा और अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए लॉग लेने से दोनों तरफ काफी जल्दी वही चीज आ गई जो हमको एग्जैक्टली चाहिए था। तो अब आपके मन में यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि भाई किससे बनाया जाए, लॉग लेके बनाए या डायरेक्टली जैसे मैंने आपको पहले बताया है लॉजिक उससे बनाइए। तो देखिए दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। हाँ, जब हमको किस तरह का हमको आंसर चाहिए, अगर हमको प्रूफ करना है और जिसमें कि एक्स वाई का पावर एक्स या एक्स का पावर वाई नहीं आता, क्योंकि अब जब आप ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो वाई का पावर एक्स भी आएगा, एक्स का पावर वाई भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको नहीं दिया है प्रूफ में तो आप डायरेक्टली लॉग लगा के बना सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जैसे पहले ऊपर आया था, तो वहां पे मैं सलाह दूंगा कि जो डायरेक्ट ट्रिक है उससे आप बनाइए। अब दोनों में से किसी भी एक तरीके से बनाएंगे तो आप 100% करेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है? लॉग लगा के ये छोटा क्वेश्चन था तो यहाँ पे हम लोग लॉग लगा के बना लिए, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें आप लॉग लगा सकते हैं बिंदास, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग जो है डायरेक्टली लॉग अप्लाई करके डीवाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे दोनों तरफ लॉग, तो लिखेंगे हम लोग क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, सिंपली टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y log cos x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, x log cos y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे अगेन आपका u इंटू वी का लगेगा प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएशन करने में, तो हम लोग करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप u इंटू वी में करोगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और हम लोगों का log cos x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके, फिर चलिए प्लस y को छोड़ देते हैं तो log cos x का क्या हो जाएगा जी, तो 1/cos x होगा और cos x का हो जाएगा आपका माइनस
साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब इधर कीजिए, इधर करेंगे तो एक्स का वन होता है तो सिंपली आपका लॉग कॉस वाई जो है वो बच जाएगा प्लस, अगर एक्स को छोड़ते हैं तो लॉग कॉस वाई का क्या हो जाएगा, तो वन बाई कॉस वाई होगा, ठीक है, फिर कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और चूंकि ये वाई का टर्म है तो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स भी अप्लाई करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ, ये इधर चल रहा है, चलिए अब देखिए, अब यहां से हमको बस डीवाई बाई डी एक्स टर्म को क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, इधर से कॉमन लेंगे तो यहां पे हमारा टर्म बचेगा लॉग कॉस एक्स, ओके, और उधर से जो टर्म आएगा वो आएगा माइनस था इधर तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, साइन वाई बाई कॉस वाई इज टेन वाई, ये हो गया। अब जो विदाउट आपका डीवाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग इधर कर लेंगे, तो देखिए यहां पे आपका लॉग कॉस वाई इधर बच रहा है, ठीक है, और ये टर्म आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा हमारा वाई इंटू साइन बाई कॉस टेन एक्स, क्लियर है। तो अब देखो फाइनली यहां पे आपका डीवाई बाई डी एक्स काफी जल्दी आ जा रहा है, तो यहां पे हम लोगों का डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देयर फोर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्दी आ गया आपका आंसर, ओके, और यही आंसर आपको बुक में दिया है तो कोई इशू नहीं है, काफी जल्दी आप इससे आसानी के साथ में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो है क्या कि दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपसे सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अब सिंपली आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू दिस, इसमें भी आप काम कर सकते हो काफी इजिली। कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई आ जाएगा, ओके, और इधर मेरा आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई बचेगा, ओके, और चूंकि यहाँ पे सारा बेस ई पे हो रहा है तो लॉग ई क्या होता है, वन होता है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग ई को वन से हटा देंगे, ठीक है, ये आपका क्या बचेगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ओके, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यू इंटू वी में मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे मेरा ओनली एक्स माइनस वाई बचेगा क्योंकि लॉग ई क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, लॉग वाई का क्या होता है वन बाई वाई, और वाई का टर्म है यहाँ पे हम लोग का डीवाई बाई डी एक्स भी लगेगा, ओके, इधर हमारा हो जाएगा एक्स का वन और वाई का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। देखिए काफी जल्दी बन रहा है। अब आप यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इधर आपका वन बाई वाई है और उधर से आपका एक माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस वन बचेगा, ठीक है, और इक्वल टू वन माइनस इधर क्या बचेगा वन बाई एक्स, तो देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब यहां से देखो मोहब्बत से आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई वाई प्लस वन। अब आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वन और यहां पे एलसीएम होगा वाई वन प्लस वाई, ठीक है, तो यहां पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है वाई बाई एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, और अंदर में बचेगा हमारा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन, ओके। देखिए बहुत ही आसानी के साथ में आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजिली आप देख रहे हो कि क्वेश्चन आपका बनता चला जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों का है, बोलता है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, इफेक्ट्स आपको ये दे रखा है, ठीक है, और एफ डैश वन निकालना है। तो यहाँ पे भी अगेन देखो चूंकि ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ में, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे ऐसे ले लेना होगा, ठीक है, कि क्या गिवेन है जी, गिवेन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स का पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स का पावर एट, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे अगर मैं लॉग लेता हूं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इधर हमारा आ जाएगा लॉग ऑफ, यहां पे लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर और वन प्लस एक्स टू दी पावर एट, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सारा लॉग में है तो लॉग में है तो आसानी के साथ में क्या होगा, ये आप प्लस में कर सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि सारा इनटू में है तो आपका ये प्लस में आसानी के साथ में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहां पे हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर और यहां पे हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स टू दी पावर एट, ठीक है, सारा प्लस में आ गया।
और इधर आपका क्या है, इधर आपका है log ऑफ एफ एक्स। तो अब यहां से मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो log एफ एक्स का हो जाएगा पहले तो 1 बाई एफ एक्स, ठीक है, log टैन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log का 1 बाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का करेंगे ना, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं, एफ डैस एक्स लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और यहां पे log का सिंपली हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, टैन डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो log का 1 बाई 1 प्लस एक्स, अब अंदर में जाओगे तो 1 प्लस एक्स का क्या होगा, तो 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस यहां पे आप देखिएगा पहले log का करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर में जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 0 प्लस 2x इंटू, तो आपको सिंपली 2x मिलेगा, ठीक है, प्लस यहां पे आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स 4, और अंदर में करेंगे तो 1 का 0 और x 4 का 4x क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे वो आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8, और आप अंदर में जाओगे तो 0 प्लस 8 एक्स 8 का हो जाएगा हमारा 8x7 हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें यहां पे आ गई। तो कुछ देखो करना नहीं है यहां पे, हाँ बिल्कुल देखिए मोहब्बत से बनेगा, अब आपको एकदम यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगने वाला है और आराम से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं अगर एफ डैश एक्स को लिखूँ फाइनली तो क्या हो जाएगा, तो मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और अंदर में क्या टर्म बच रहा है, अंदर में बच रहा है 1 बाई 1 प्लस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे बच रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बच रहा है 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स 4, और यहाँ पे बच रहा है 8x का पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8, ठीक है। अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोगों को करना है एफ डैश 1, यानी आपको x का वैल्यू 1 पुट अप करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपको क्या है एफ डैश 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ 1, ठीक है, एफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप डालोगे तो 1 बाई 2, एक्स के जहाँ पे 1 डाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 बाई 2 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 2, मतलब जहां भी x है वहां पे 1 पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f1 क्या है ये भी आप देख लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे जो fx था उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, fx क्या था, क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा कि सिंस, इसको 1 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंस मेरा fx क्या था, तो fx मेरा देखो क्वेश्चन था क्या था, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8, ओके। अब मेरे को अगर f1 चाहिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से निकाल लेंगे, हम यहां से अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो हमको f1 मिल जाएगा, तो f1 क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, यहां भी आपको देखोगे 1 प्लस 1 ही आएगा, यहां भी 1 प्लस 1 आएगा, यहां भी 1 प्लस 1 आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो यहाँ पे देखो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, पूरा एलसीएम आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है 16 इंटू, ऊपर में आ जा रहा है आपका 7 8 15 बाई 2, तो 2 8 या 16 और 15 इंटू 8 क्या हो जाएगा 120, तो यहाँ पे जो आपको एफ डैश 1 का वैल्यू पूछ रहा था वो 120 है, इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं था, काफी आसानी से आपका एफ डैश 1 निकल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए फिर है आपका सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर, क्या बोलता है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन इन थ्री वेज मेंशन्ड बिलो। अब देखिए अब आपको यहाँ पे जो है ना सारी बातों को कंक्लूड किया जा रहा है कि एक्चुअली हम लोग बहुत तरह का मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये फंक्शन आपको दिया हुआ है तो ये फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहला बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, यानी इसको हम u लेंगे इसको हम v लेंगे तो u इंटू v से डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। सेकेंड मेथड हो सकता है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब दोनों को हम मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। और तीसरा मेथड होगा बाय लॉगरिथम लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, यानी लॉगरिथम लेकर के हम काम करेंगे, ठीक है, ये देखिए तीनों से आप इसको बनाइए, हाँ, और एक्चुअली आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा है कि हम एक एक इस तरह का कोई भी फंक्शन है उसको हम तीन तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर हम फाइनली एग्जाम में उसको चूज कर सकते हैं जिससे मेरा इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं लेट ले लेता हूं कि हमको y दिया हुआ है क्या
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है हम लोगों का वो है क्या, प्रोडक्ट रूल, यानी एक को हम यू लेंगे एक को हम भी लेंगे, तो क्या होगा देयरफॉर डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो हम एक को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे मान लो हम फर्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, इसमें हम लगा दिए डी बाई डी एक्स और इंटू, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन को। ठीक है, चूंकि यू इंटू भी में एक को ही किया जाता है एक बार में। हाँ, फिर प्लस करेंगे, अब मैं फर्स्ट वाले को छोड़ देता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, और मैं डी बाई डी एक्स लगाऊंगा किस पे, ये दूसरे वाले फंक्शन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स करना है तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा माइनस फाइव एक्स का ओनली फाइव होगा चूंकि एक्स का वन होता है। ठीक है, और एट का हो जाएगा जीरो, तो यही बचा इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। ठीक है, अच्छा प्लस, फिर आप देखो यहाँ पे ये यह आपका छूटा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, और अंदर में क्या डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो एक्स क्यूब का आ जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर और सेवन एक्स का हो जाएगा सेवन और नाइन का जीरो। ठीक है, ये तो अब देखो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है ना, अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स का पावर फोर प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स, अच्छा ये माइनस में आएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, ये हम लोगों का माइनस में आने वाला है, इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है जी, चलो ये हो गया, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा पहला मल्टीप्लीकेशन, अब दूसरा वाला करेंगे तो प्लस यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा थ्री एक्स टू दी पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एक्स, फिर एट से करेंगे तो ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर और एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स। ठीक है, ये आ गया, अब सारे टर्म को आप मिला करके लिख दीजिए यहाँ पे, तो हम देखेंगे फाइनली क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे टू और थ्री आपका हो जाएगा फाइव एक्स फोर, फिर एक्स क्यूब का टर्म देखिए तो माइनस फाइव और माइनस फिफ्टीन। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए तो यहाँ पे है आपका फोर्टीन एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे है मेरा सेवन एक्स स्क्वायर, फोर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फोर, तो हमारा यहाँ पे हो जा रहा है फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, अब देखिए एक्स का टर्म देखिए तो एटीन एक्स और माइनस थर्टी फाइव एक्स यानी माइनस सेवनटीन एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो है हमारा माइनस थर्टी फाइव एक्स। ठीक है, तो माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव आपका कितना हो गया, सेवेंटी हो गया, और सेवेंटी में हम लोग प्लस एटीन कर देंगे तो माइनस फिफ्टी टू एक्स बचेगा। ओके, कॉन्स्टेंट देखिए यहाँ पे माइनस फोर्टी फाइव है, ये आपका प्लस फिफ्टी सिक्स है, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा इलेवन। तो देखो ये जो है हमारा फाइनली आंसर आ गया डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड से, यानी यू इंटू भी से हम लोग किए हैं। ओके, अब यहाँ पे जो सेकेंड है आपको बाई एक्सपेंडिंग टू ऑप्टेन ए सिंगल पॉलीनोमियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मेथड से बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, चलिए तो देखिए सेकेंड मेथड को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाई एक्सपेंशन बनाने वाले हैं, बाई एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड करके। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, लेट आपको y जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, तो y हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन था। ठीक है, अब देखिए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का पावर फाइव, ओके, फिर प्लस हो जाएगा हमारा सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस सॉरी सेवन एक्स क्यूब होगा ना यहाँ पे, यस, ये हम लोगों का हो जाएगा सेवन एक्स क्यूब, करेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेवन एक्स क्यूब,
और प्लस हो जाएगा 9x2, ये हो गया। फिर 5x से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं तो हो जाएगा 5x4 -35x2 और -45x, और कांस्टेंट का करेंगे तो हो जाएगा +8x3 +56x और +72, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो y का वैल्यू आ रहा है, अभी तो हम लोग डिवाइड बाई dx नहीं किए, सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं, क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x5। ठीक है, इसके बाद हमारा जो x4 का टर्म है तो ये है 5x4, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, -5x4 फिर देखो 3 का टर्म कौन कौन सा है, तो 7x3 है और 8x3 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15x3 हो जाएगा। ठीक है, x2 का टर्म कौन कौन सा है, तो 9 और -35, तो -9 और -35 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -26x2 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट देखिएगा तो -45x है और हम लोगों का यहाँ पे +56x है। ठीक है जी, तो यानी कि आपको आ रहा है 11x और प्लस हो जाएगा 72, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना है डिवाइड बाई dx, जैसे ही आप डिवाइड बाई dx करोगे तो बहुत इजीली बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 5x4 फॉर्मूला से, यहाँ पे 5 × x4 का हो जाएगा 4x3। ठीक है, +15 × x3 का हो जाएगा 3x2, -26 × x2 का 2x, +11 × x का 1 और 72 का 0। ठीक है, अब देखिए फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ रहा है 5x4 -20x3 +45x2 -52x +11। ठीक है, और देखो एग्जैक्टली ये सेम है जो आपको ऊपर आया था ना, बिल्कुल सेम आंसर आया है, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आपका मोहब्बत से बनेगा, चाहे आप एक्सपेंशन से बनाइए या आप बनाइए प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग एक और मेथड अप्लाई करेंगे, वो है यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड मेथड होगा यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो चलो थर्ड मेथड क्या आ जाएगा, नंबर 3 आ जाएगा हमारा यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, लेट आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन लिखिए, x2 - 5x +8 × x^3 +7x+9, ये है। ठीक है, अगर मैं लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा इधर हो जाएगा लॉग वाई, इधर आपका हो जाएगा लॉग x2 - 5x+8 +log x3 + 7x+9। देखिए ये पुरानी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि ये इनटू में था, तो अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग अगर इनटू में आपको दिया हुआ है वैल्यू, तो वो क्या होता है, वो प्लस में स्प्लिट होता है लॉग में, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, चाहे तो आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ये किए हैं कि सिंस क्या होता है, लॉग यू इंटू भी क्या होता है, ये होता है हमारा लॉग यू प्लस लॉग भी होता है, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब आप इसका ये क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, हम लिखेंगे इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए लॉग वाई का हो जाएगा क्या, 1/y और साथ में हम लोगों का डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, इक्वल टू लॉग दिस का क्या होगा, तो चैन डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पहले लॉग को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x2 - 5x+8 होगा। ठीक है, इंटू आप अंदर जाओगे तो x2 का 2x होगा और -5x का 5 हो जाएगा, प्लस फिर इसका करेंगे उसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, 1/x3 +7x+9 और अंदर जाएंगे तो क्या होगा, 3x2 + 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तब फाइनली देखो यहाँ पे मेरा डिवाइड बाई dx क्या आ रहा है, तो सो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू वाई और अंदर में आपका आ जा रहा है क्या, 2x - 5 डिवाइडेड बाई x2 - 5x+8। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3x2 + 7 डिवाइडेड बाई x3 + 7x+9। ठीक है जी, अब देखिए आप चाहे ना तो ये तो आपका आंसर आ जा रहा है, आप यहाँ पे y का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, तो y का वैल्यू था हमारा x2 - 5x+8। ठीक है, x^3 + 7x+9 ये वैल्यू था,
ये वाई का वैल्यू हो गया। अब देखो अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, अंदर में मैं नीचे एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट और इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये होगा कि हम लोग ऊपर में क्या कर सकते हैं, ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स टू दी पावर थ्री प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन प्लस, फिर ये यहाँ क्रॉस होगा तो आपका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट। ये सिंपल कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि ये आपका जो दोनों फैक्टर है वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको यही बचेगा, ठीक है। और इसको आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्जैक्टली वही मल्टीप्लीकेशन है, आप करके देख सकते हैं, चूंकि हम लोग जब यू इंटू वी में किए थे तो इसी तरीके का हमको वैल्यू मिला था। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको फिर वही आंसर आएगा, फाइव एक्स टू दी पावर फोर माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब, फिर आपका प्लस फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस फिफ्टी टू एक्स और प्लस इलेवन। तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा चाहे आप किसी भी टेक्निक से कीजिए। तो ये आपको देखिए प्रैक्टिस करवा रहा है कि अब आप किसी भी मेथड से करो आपको सेम आंसर मिलने वाला है। और इस तरह से हमारे पास में डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक प्रैक्टिस के पर्पज से एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है, बोलता है कि यू और वी और डब्ल्यू ये अगर तीन फंक्शन है एक्स का तो शो कीजिए कि यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का जो डेरिवेटिव होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। कि पहले हम लोग यू का करेंगे जैसा आप देख रहे हो, है ना, तो आपका v और w छूट जाएगा। फिर हम लोग अगर u और w को छोड़ देते हैं तो v का होगा डिफ्रेंशिएशन, और लास्टली अगर u और v को छोड़ते हैं तो w का, मतलब ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले भी समझाया था, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है और दो तरीके से, एक तो आपको बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से करना है, ठीक है, इन्हें प्रोडक्ट रूल लगा करके आप बनाइए उसको, और दूसरा आपको बोल रहा है बाई लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो दोनों से देख लेते हैं, है बहुत सिंपल चीज, कैसे करेंगे देखिए। तो मैं फर्स्ट आपको कर रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। देखिए इससे कैसे करना है, तो कुछ करना नहीं है, जैसे देखिए तरीका ये होगा ना, हम जो है ये करेंगे डी बाई डी एक्स ले लेंगे, ठीक है, U और V को साथ में कर लेते हैं और ले लेते हैं इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो अब ये सिर्फ दो फंक्शन है समझ लो, एक U इंटू V है और एक आपका W है, ठीक है। तो दो फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले U इंटू V का करेंगे इस तरीके से, U इंटू V का डिफ्रेंशिएशन, और हम लोग W को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, U इंटू V को छोड़ देंगे इस तरीके से, U इंटू V, ठीक है जी, U इंटू भी को छोड़ दिया और W का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये लाइक जैसे आपका दो प्रोडक्ट का होता है, दो फंक्शन का होता है, उस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे अगेन आपका क्या है, U इंटू भी आ गया है। तो U इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन यहां पे अलग से करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले मैं U का करता हूं तो U का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और भी को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्लस U को छोड़ देंगे और भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे, और बाहर में आपका क्या है, W है, ओके, प्लस यहाँ पे आपका u इंटू भी है और साथ में क्या है, dw डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब आप जस्ट इसको मोहब्बत से एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है सबसे पहले du बाई डी एक्स, ठीक है, और भी, और साथ में देखिए यहाँ पे w, भी इंटू डब्ल्यू, ये हो गया प्लस। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा u इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, u इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो एग्जैक्टली वही चीज आएगा जो आपको प्रूफ करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं था, बस आपको जो है इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब सेकंड आपको बोलता है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो सेकंड देखिए कैसे होगा, यूजिंग लॉगरिथम, ठीक है। चलिए ये हम लोग ऐसे करेंगे कि लेट हम लोग ले लेते हैं क्या कि वाई जो है वो क्या है, वो है यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा log y इज इक्वल टू log u प्लस log
भी प्लस लॉग डब्ल्यू, ठीक है, पता है आपको, क्योंकि लॉग में आप कर रहे हैं तो जैसे ही प्रोडक्ट को हम लोग हटाएंगे लॉग में तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस लॉग भी का होगा 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स, और प्लस लॉग डब्ल्यू का होगा 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे हो गया। तो देखो बहुत सिंपल ही आपका बनने वाला है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां से हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वाई इंटू, ठीक है, यहां पे आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ओके, प्लस 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स, प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब देखिए y क्या है, तो y है हमारा u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, यूजिंग द क्वेश्चन जिसको हम लोग कंसिडर किए थे y वो, और बाकी आप अंदर में वैसे ही छोड़ दीजिए 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ओके, फिर प्लस 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स और 1 बाई डब्ल्यू, सारा टर्म को आप सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब कुछ करना नहीं है, अब मोहब्बत से क्या करना है हम लोगों को कि यू भी डब्ल्यू से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो देयर फॉर मेरा डीवाई बाई डी एक्स देखो आ जा रहा है, यहां से हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू यू कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा भी इंटू डब्ल्यू और साथ में क्या बचेगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस यहां से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा यू इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है जी, और प्लस इससे आपका डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल होगा तो बचेगा यू इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा इसको अगर आप अरेंज कर देना, तो अरेंज करने पर देखो ये आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, पहले डी यू बाई डी एक्स को लिख दीजिए क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, प्लस पहले यू लिखिए फिर डी वी बाई डी एक्स लिखिए या फिर डब्ल्यू लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ इसको अरेंज कर देंगे तो सब मल्टीप्लीकेशन में है तो आपका इस तरीके से ये अरेंजमेंट आ जाएगा, ओके। बिल्कुल देखो वही सेम चीज आया है जो ऊपर में आया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चीज आएगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है। इंपॉर्टेंट बात है जो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और आज के लेक्चर में बता दिया है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली ट्रिक्स से बना सकते हैं इसको और लॉग 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 अप्लाई करके बना सकते हैं, तो वो इसमें सीखना हम लोगों को मेन था, ठीक है। बाकी जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन का अच्छे से सीख जाएंगे तो उसको हम लोग डिफरेंट जो है वे में इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और वन बाय वन हम लोग सारा चैप्टर कवर कर रहे हैं तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना, पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।